आज के लेक्चर में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिकन भूगोलवेत्ता यर्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में बताएंगे। तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता यर्सवर्थ हंटिंगटन का कार्यकाल क्या है 1876 ईस्वी से लेकर के सन 1947 ईस्वी तक। अब देखेंगे 1876 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता का कार्यकाल 1876 ईस्वी से लेकर के सन 1947 ईस्वी तक था। अमेरिकन भूगोलवेत्ता WM डेविस का प्रमुख शिष्य यर्सवर्थ हंटिंगटन था, अर्थात यर्सवर्थ हंटिंगटन WM डेविस का परम शिष्य था। इसने अपने जीवन काल में इसकी सबसे प्रमुख जो योगदान था, इसने बताया कि मानो एक वास्तुशिल्प एकता का देन है, अर्थात इसने वास्तुशिल्पी एकता का प्रयास किया है। वास्तुशिल्पी एकता क्या है? वास्तुशिल्पी एकता का प्रयास किया है, एकता का प्रयास किया है। आप यह देख लीजिए, यह वास्तुशिल्पी एकता का प्रयास किया है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु जो है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु पश्चिमी यूरोप की है। यह यर्सवर्थ हंटिंगटन का विचार था और उसके मस्तिष्क में एक विकास था। उसके मस्तिष्क के विकास के उसने कहा कि मानव के मस्तिष्क के विकास के लिए यह शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु सबसे अनुकूल माना, अर्थात विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु को उसने पश्चिमी यूरोप की जलवायु को माना। उसके मस्तिष्क के विकास के लिए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु अनुकूल है, अर्थात तापमान 38 फारेनहाइट माना। तथा शारीरिक विकास के लिए ग्रीष्मकालीन तापमान 60 फारेनहाइट माना। अर्थात कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के लिए 38 फारेनहाइट होना चाहिए और मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए जो है 60 फारेनहाइट तापमान होना आवश्यक है। तो इसने मान जो है इसी के आधार पर इसने मानव भूगोल की परिभाषा दिया कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय कार्यकलापों एवं गुणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अब आप सपोज कर लीजिए, मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यर्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार कि इतिहास के बुद्धिपरक बोध के लिए, इतिहास के बुद्धिपरक बोध के लिए यह आवश्यक है कि परिवर्तनशील प्राकृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि का अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि प्राकृतिक रंगमंच पर ही ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती है। अर्थात भूगोल वह रंगमंच प्रदान करता है जिस पर इतिहास का नाटक खेला जाता है। आज के भौगोलिक परिस्थितियों में मानव के द्वारा जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह आने वाले दिन का इतिहास कहलाता है। अर्थात भूगोल भौगोलिक या प्राकृतिक एक रंगमंच है, इतिहास मानव जो है अपने सब सांस्कृतिक क्रियाकलाप या आर्टिफिशियल कार्य जो करता है वह आने वाले दिन का इतिहास कहलाता है। अर्थात भूगोल का अध्ययन बिना इतिहास के नहीं किया सकता है, और इतिहास है तो भूगोल भी उसमें अंतर निहित है। तो इस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण की पृष्ठभूमि का अच्छा ज्ञान होगा, तभी उस क्षेत्र में आप भौगोलिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यहां यर्सवर्थ हंटिंगटन ने यहां तक कह डाला है, यदि हमें किसी देश की मिट्टी दे दी जाए तो हम ये बता सकते हैं उस देश की किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की सभ्यताएं पाई जाती हैं, क्या खान पान है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, सबको हम बताने में समर्थ हैं। इसलिए यर्सवर्थ हंटिंगटन जो था वह प्रकृतिवादी भूगोलवेत्ता था, वह मानव पर प्रकृति का विशेष प्रभाव मानता था, अर्थात तो वह प्राकृतिक वातावरणवाद का प्रबल पोषक था। अब हम आपको बताएंगे यर्सवर्थ हंटिंगटन की रचनाएं।
आप देख लीजिए, यह स्वर थंटिंगटन की रचनाएं। अब रचनाएं देखिए, रचना आप देखिए, रचना इनकी है द पल्स ऑफ एशिया, एशिया का स्पंद, द पल्स ऑफ एशिया। पहली पुस्तक इनकी है पल्स ऑफ एशिया, पल्स ऑफ एशिया, एशिया का स्पंद, एशिया का स्पंद, एशिया का स्पंद। यह पुस्तक सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सन 1907 ईस्वी में। तो अब आप समझिए, द पल्स ऑफ एशिया, एशिया का स्पंद, यह पुस्तक का प्रकाशित हुआ सन 1907 ईस्वी में। दूसरी पुस्तक इनका क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य, द अर्थ एंड सन, दूसरी पुस्तक है द अर्थ एंड द अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य। यह पुस्तक सन 1923 ईस्वी प्रकाशित हुआ था, पृथ्वी और सूर्य। सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए, तीसरी पुस्तक कौन सी है, पैलेस्टाइन एवं उसका रूपांतरण, सन 1911 ईस्वी में, पैलेस्टाइन एवं उसका रूपांतरण, पैलेस्टाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पैलेस्टाइन और उसका रूपांतरण, पैलेस्टाइन और उसका रूपांतरण, सन 1911 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित हुई थी, सन 1911 ईस्वी में। अब आप देखिए, इसी तरह से इनकी और पुस्तकें हैं, सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सन 1915 ईस्वी प्रकाशित हुई थी, सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सभ्यता और जलवायु। सभ्यता और जलवायु, यह क्या होगा, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सभ्यता और जलवायु। यह पुस्तक सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई, सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब आप देखेंगे, इनकी और पुस्तक है सीजन ऑफ बर्थ, जन्म की मृत्यु, जन्म की मृत्यु, सीजन ऑफ बर्थ, सीजन, सीजन ऑफ बर्थ, सीजन ऑफ बर्थ, जन्म और मृत्यु, या जन्म की मृत्यु, सन 1938 ईस्वी में, जन्म की मृत्यु, सन 1938 ईस्वी में, यह हो गया आपका। अब इस तरह से देखिए, आप यशवर्थ हंटिंगटन की यह रचनाएं हैं। अब आप देखिए, और भी रचनाएं इनकी हैं, अब आप देखेंगे, सीजन ऑफ बर्थ हो गया, छठी पुस्तक इनका है मानव जातियों के चरित्र, कैरेक्टर ऑफ रेसेस, मानव जातियों के चरित्र, कैरेक्टर ऑफ रेसेस। अब देखिए, छठी पुस्तक है इनकी कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ रेसेस,
मानव जातियों के चरित्र। मानव जातियों के चरित्र, मानव जातियों के चरित्र हो गया आपका। यह मानव देखिए कैरेक्टर ऑफ रेसेस, मानव जातियों के चरित्र पुस्तक जो है यह सन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए इसी तरह से है आपका सभ्यता के मुख्य स्रोत, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन सभ्यता के मुख्य स्रोत, सभ्यता के मुख्य स्रोत। अब देखिए यह जो मेन, यह जो हो गया आपका मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यह पुस्तक मानव भूगोल के क्या नाम है सभ्यता के मुख्य स्रोत, यह पुस्तक सन 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? सन 1945 ईस्वी में, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखेंगे अगली पुस्तक है आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल, इकोनॉमिक एंड सोशियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड सोशियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड सोशियल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक एंड आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आर्थिक और सामाजिक भूगोल यह सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सन 1935 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस तरह से देखिए एक पुस्तक इनकी और है ह्यूमन हैबिटेट, ह्यूमन हैबिटेट मानव आवास। अब देख लीजिए ह्यूमन हैबिटेट नौवीं पुस्तक इनकी है, ह्यूमन ह्यूमन हैबिटेट हैबिटेट मानव अधिवास, मानव अधिवास यह पुस्तक सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे हम आपको अमेरिकन भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में चर्चा कर दिए। ये WM डेविस के शिष्य थे, ये वास्तुशिल्पी एकता में प्रयास किया था और इन्होंने मानव को जो प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक बताया था। इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं हम आपको बता दिए, जैसे मानव की जलवायु पर कितना प्रभाव पड़ता है, जैसे सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट है, सभ्यता और जलवायु है, मानव जातियों के चरित्र हैं, मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक है इनकी और है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यहां लिख दे रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दसवीं पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ह्यूमन ज्योग्राफी। यह पुस्तक सन 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत, एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस तरह से जो इनकी रचनाएं जो हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन की, यह हम आपको चर्चा कर दिए। अब आप देखेंगे मानव एल्सवर्थ हंटिंगटन
प्राकृतिक वातावरण का यह प्रबल पोषक था और W.M. डेविस का प्रमुख शिष्य था। इसकी जितनी भी रचनाएं हैं उस रचनाओं में प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, जितनी भी रचनाएं हैं इस पर। और इसीलिए यशवर्थ हंटिंगटन को प्राकृतिक वातावरण का प्रबल समर्थक माना जाता है। ठीक है, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम आपको अगले अमेरिकन भूगोलविद्ता के बारे में चर्चा करेंगे।